मादव जगत के अंतर्गत हम जिनको तीन मुख्य रूप से विभिन्न जगतों में बांटा गया है, शैवाल, ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा। इस तीनों जगत में से हम इसमें से शैवाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शैवाल को पुनः इन्हें आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर क्लोरोफाइटा, एरोडोफाइटा, क्रोनोफाइटा और फियोफाइटा। इसमें तीन मुख्य रूप से कवकों को बांटा गया है, रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। रोडोफाइटा जो कि भूरे शैवाल हैं, जिसमें आर फाइकोरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, ये पिगमेंट्स जो कि फाइटोक्रोम्स के रूप में वर्णकों के रूप में कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। इसी तरह हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल रोडोफाइटा के और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका अध्ययन किया। इसके बाद हम देखते हैं फियोफाइटा। फियोफाइटा शैवाल भी एक समुद्री शैवाल हैं, ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं, कुछ अलवणीय होते हैं, या इन्हें भूरा समुद्री शैवाल भी कहा गया है। ये भी जो फियोफाइटा की शैवाल हैं, ये समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल हैं, जो समुद्री भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये अंटार्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे जैसे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो इसकी संख्या कम होती जाती है। ये लगभग 110 मीटर से अधिक गहरे पानी में नहीं पाए जाते। ये इनमें लगभग 1000 जातियाँ की ज्ञात खोज की गई है। फियोफाइटा शैवाल लगभग 1000 शैवालों की खोज की जा चुकी है। इसमें भी पाए जाने वाले जो मुख्य रूप से यह भूरे रंग के शैवाल हैं, आर फाइकोजैंथिन, इसमें मुख्य पिगमेंट्स होता है फिकोजैंथिन, और क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। ये शैवाल जो कि प्रजनन के समय इसमें द्विपक्षी जो स्पोर्स बनते हैं, जो असमान कशिपिकाएं वाली होती हैं, एक छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है, टेनलेस और विप्लेस टाइप के इसमें फ्लेजिला पाए जाते हैं। इसमें प्रजनन के बाद भोजन का जो संग्रह है, ये मैनिटॉल के रूप में, भोज पदार्थों के रूप में संचित होता है। कोशिका भित्ति एल्जेनिक अम्ल के बने होते हैं। इसमें युग्मनस विश्रामावस्था में नहीं होता, जायगोट विश्रामावस्था में नहीं होता, ये बहुत कम पाए जाते हैं। सीधे ये विभाजित होकर फिर से नई कोशिका का निर्माण करते हैं। इसमें अचल और बहुकोशिकी युग्मकों का निर्माण होता है। तो फियोफाइटा के अंतर्गत इनकी ये सामान्य लक्षण हैं। इसमें इनकी संरचना जो बहुकोशिकी होते हैं, कुछ तंतुवत पैरेन्काइमेटस प्रकार के भी होते हैं, कुछ इनकी जो शाखित संरचनाएं हैं ये किसी सतह से होल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं। इसमें इनकी जो चौड़ी भाग है ये पत्तियों की समान संरचना होती है, जैसे कि लैमिनेरिया। लैमिनेरिया एक पादप जो शैवाल है, इनकी अग्रभाग पत्तियों की समान संरचनाएं होती हैं और किसी होल्ड फास्ट से ये जुड़ी होती है। ये स्टेप जिसमें जिसके अंतर्गत तंतु के समान रचनाएं होती हैं और ये होल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं। अग्रभाग जो उसकी चौड़ी पत्तियों के समान संरचनाएं होती हैं, ये होता है लेमिना के समान। तो इस तरह से लैमिनेरिया एक शाखित शैवाल है, बहुकोशिकी है। इसी तरह सॉर्गसम की पादप
जो कि ये भी बहुत अधिक शाखित होते हैं। इसमें विभिन्न से होल फॉस से ये जुड़े होते हैं। सार्गशम और ये है लैमिनेरिया। तो कुछ बहुशाखित शाखित शैवाल इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनकी कोशिका स्तर 3 स्तरों से सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। बाहरी आवरण पैक्टिन की बनी होती है। इसमें फाइको एल्जेनिक पदार्थ जो फाइकोकोलाइट्स के रूप में पाए जाते हैं, एल्जेनिक पदार्थ इनकी कोशिकाओं में संचित होते हैं। इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, चल कोशिकाएं और अचल कोशिकाओं का निर्माण होता है। मुख्य रूप से ये चट्टानों से टकराने पर भी ये मजबूती से जुड़े रहते हैं क्योंकि ये फोल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं। इसमें इसकी जो संरचना है, संरचना बहु अलग अलग पादपों में अलग अलग शैवालों में बहुत विभिन्नताएं देख सकने को मिलती। शाखित बहुशाखित संरचनाएं इस फियोफाइटा शैवाल के अंतर्गत देखते हैं। इसका जो प्रजनन विधि है, वर्धी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, तीनों विधियों के द्वारा इसमें प्रजनन की क्रियाविधि पाया जाता है। वर्धी प्रजनन जिसमें खंडन विधि के द्वारा फियोफाइटा की जो प्रजनन विधियां हैं इसमें भी वर्धी प्रजनन जिसके वर्धी प्रजनन के द्वारा कोशिका खंडित होकर टूटकर विखंडन के द्वारा ये नए शैवाल का निर्माण करते हैं। विखंडन के द्वारा इनमें वर्धी प्रजनन पाया जाता है। इसी तरह वर्धी प्रजनन के बाद है अलैंगिक प्रजनन जिसमें स्पोर्स के द्वारा एक्टोस्पोर्स के माध्यम से ये नए स्पोर्स का निर्माण करते हैं और ये स्पोर्स अंकुरित होकर फिर से नए शैवालों का निर्माण करते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो कोशिकाएं हैं एक्टोकार्पस में यूनिलॉकुलर स्परंजिया पाया जाता है, एक कोशिकीय संरचना होती है और ये कुछ कोशिकाओं में बहुकोशिकीय संरचनाएं बहुकेंद्रीय पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ जो जीवाणु सवाल हैं उनके जो स्पोर्स हैं ये फ्लेजिला द्विफ्लेजिला बाईफ्लेजिलेट होते हैं। इसमें फ्यूकस और सॉर्गेसम में स्थलीय संवहन पाए जाते हैं, संवहनी पादप के समान इनमें गुण पाया जाता है और ये इनके जो जीवन चक्र है ये 2 चक्रों में पूर्ण होता है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट 2 स्थितियों में पूर्ण होते हैं क्योंकि ये 2 दुगड़ित संवहनी ऊतकों के समान इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं, सर्गशम और फिकश। अलैंगिक प्रजनन विधि यह हो गया एक्टो जिसके अंतर्गत एक्टोकार्पस के निर्माण से नए स्पोर्स का निर्माण होता। इसी तरह जो लैमिने तीसरा
लैंगिक विधि, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में आइसोगेमस ओगेमस टाइप के इनमें प्रजनन की क्रियाएं विधि होता है। आइसोगेमस में लैंगिक प्रजनन की विधि के अंतर्गत पहला है आइसोगेमस। जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल युग्मक दोनों एक समान होते हैं, संरचनाएं आपस में जब संयोजित होते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फिर से नए शैवाल का निर्माण करते हैं। इसमें आइसोगेमस के बाद आता है एन आइसोगेमस, सॉरी ओगेमस टाइप। दूसरा जो है ओगेमस, युग्मक प्रकार से, जिसमें दोनों ही युग्मक मेल युग्मक और फीमेल युग्मक दोनों अलग अलग होते हैं। मेल युग्मक चल होता है और फ्रेजलयुक्त होते हैं, छोटा होता है, और मादा युग्मक ये फ्रेज अचल होते हैं। ये दोनों मेल युग्मक फीमेल युग्मक के पास पहुंचता है और ये संयोजित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट जब बनने के बाद ये शीघ्रता से विभाजित होकर स्पोर्ट्स का निर्माण करते हैं और फिर से नए शैवाल बनते हैं। तीसरा से प्योफाइटा के अंतर्गत जो शैवाल हैं उनमें प्रजनन की विधियां, वर्धि प्रजनन भी होता है, अलैंगिक प्रजनन की विधियां होती हैं और लैंगिक प्रजनन विधियाँ जिसमें आइसोगेमस और ओगेमस टाइप के होते हैं। इस तरह से इसमें इसका महत्व, इस शैवाल के अंतर्गत आने वाली जितनी भी पादप शैवाल हैं ये लगभग 20 से अधिक जातियों को इनको भोजन के रूप में खाते हैं। ये भूरे शैवाल शुष्क भार वाले 30% भाग पोटेशियम क्लोराइड इसमें होता है। महत्व, इनका उपयोग खाने के लिए जापान में अधिकतर 20 जातियों को खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। इस पादपों में सबसे अधिक क्लोराइड कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड होता है जिसके कारण ये इन कोशिकाओं में पोटेशियम के लवण अधिक उपस्थित होते हैं। इससे एस्टिक एसिड बनाने के लिए काम आता है। इस शैवाल से एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा एस्टिक एसिड प्राप्त करते हैं। खाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए, खाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इन सवालों से पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। एसिटिक अम्ल भी इन्हीं सवालों से ही फ्योफाइटा की कुछ जातियों से एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए इन शैवालों का उपयोग किया जाता है। कुछ शैवालों का औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। औषधि के लिए कुछ जो शैवाल हैं मुर्गियों के खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। मुर्गियों के खाना जो बनाया जाता है मुर्गियों के खाने के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं।
मुर्गियों के लिए खाने खाना खाने के लिए मुर्गियों के लिए खाना खाने के लिए खाना खाने में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से फियोफाइटा के जो शैवाल हैं ये बहुत अधिक आर्थिक महत्व के शैवाल हैं जिनका उपयोग हर खाने के लिए औषधि के लिए कुछ पदार्थों की प्राप्ति के लिए और मुर्गियों के खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ जो फ्यूकस है लेमिनेरिया है ये जानवरों के खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जानवरों के लिए भी ये खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। भूरे शैवाल में सबसे अधिक आयोडीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फियोफाइटा ये एक प्रकार के भूरे शैवाल हैं, समुद्र में पाए जाने वाले अलवणी शैवाल हैं, अधिक गहराइयों पर नहीं पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से लगभग 110 मीटर की गहराई तक मिलते हैं। इससे अधिक गहराइयों पर फियोफाइटा के शैवाल नहीं पाए जाते। इनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। जापान में इसका लेमिनेरिया जापानिका कॉन्ड्रस क्रिप्सस ये खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, इनमें पोटेशियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए इनसे पोटेशियम क्लोराइड 30% भाग इसमें पोटेशियम क्लोराइड का होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। एस्टिक एसिड, इन शैवालों से एस्टिक एसिड प्राप्त करते हैं। इसी तरह औषधि के लिए इनका उपयोग औषधि के लिए भी किया जाता है और शैवाल का उपयोग मुर्गियों के खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। कुछ शैवालों को जानवरों के खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम फियोफाइटा के उनके सामान्य लक्षण, संरचना और प्रजनन और उनके महत्व के बारे में अध्ययन किए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो शैवाल है वो है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा तीसरा शैवाल का तीन जो समूह में बांटा गया है इसमें तीसरा शैवाल है क्लोरोफाइटा। इसकी लगभग 7,000 स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। ये जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जली होते हैं, स्वच्छ जल पाए जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये इसके अंतर्गत आने वाले कुछ जो शैवाल हैं कॉलीरप्पा अलवा कोडियम लाइकेन ये क्लोरोफाइटा के शैवाल हैं। इनकी जो कोशिका में संचित स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं और इस तरह से इसमें जो इनकी जो थैला संरचना है ये कई भिन्नताएं देखने को मिलते हैं। कोई एक संरचनी होते हैं, बहुशाखी या शाखित होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा एक तंतुवत लंबी संरचनाएं होती हैं। कुछ शैवाल जो शाखित होते हैं, तो इस तरह से इसमें पाए जाने वाली जो शैवाल हैं हरे रंग के होते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरोटीन
और फाइकोब्लेंस जेंथोफिल्स पाए जाते हैं, जिसमें जल बीजाणु बीजाणुओं का निर्माण होता है और सभी कशाबिकाएं इनमें बराबर होती हैं। जो जो स्पोर्स हैं उनकी जो फ्लेजिला हैं ये बराबर होती हैं। भोजन का जो संग्रह है स्टार्च के रूप में होता है और इसमें ये कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी होती है। इसमें लैंगिक प्रजनन आइसोगेमस टाइप का होता है और ओगेमस प्रकार के होते हैं। ये कुछ साइनोबैक्टीरिया से भिन्न होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को जिसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखते हैं और ये सपोषी होते हैं। इसी तरह इसमें जीवजगत शैवाल में साइनोफाइसी वर्ग में रखा गया है। शैवाल प्रभाग के अंतर्गत साइनोफाइसी में रखा गया है। साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा ये इनकी कोशिकाएं जो साइनोफाइटा हैं प्रोकैरियोटिक होती हैं और क्लोरोफाइटा की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। साइनोफाइटा मतलब एक कोशिकीय संरचना होंगे जो प्रोकैरियोटिक संरचनाएं हैं, सरल कोशिकाएं होती हैं, और क्लोरोफाइटा की कोशिकाएं हैं बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये बहुसी कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। इनमें क्लोरोसाइनोफाइटा में क्लोरोफिल ए फाइकोब्लेंस और कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफाइटा में क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। ये जमीन में नम स्थान पर जल में और पादपों के अंदर सहजीवी के रूप में होते हैं साइनोफाइटा। क्लोरोफाइटा ये जल पर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र जीवी होते हैं। साइनोफाइटा में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता और क्लोरोफाइटा में स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इसमें इनकी जो संरचनाएं हैं क्लोरोफाइटा के अंतर्गत जैसे कि स्पाइरोगायरा, प्रत्येक चयों की स्पाइरोगायरा और अन्य दूसरे जो सवाल हैं इनकी क्लोरोप्लास्ट में भी भिन्नता होती है। कुछ फीते की आकृति के होते हैं, कुछ अलग आकृति के होते हैं। स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है ये फीते नुमा आकृति में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि फीते नुमा आकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं, सबसे बाहर इसकी सेल वॉल और केंद्रक न्यूक्लियस या पाई जाने वाली साइटोप्लाज्म स्टैंड के रूप में संरचना है स्पाइरोगायरा, जो कि तंतिवत लंबी कई कोशिकाओं से मिलकर एक लंबी संरचना होती हैं। ये इनकी संख्या लगभग 1 से 16 तक की संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह की एक एक संरचनाएं जो कि यहाँ की क्लोरोप्लास्ट है ये फीते नुमा आकृति का होता है। कुछ जैसे कि यूलेथ्रिक्स, इनकी क्लोरोप्लास्ट की संरचनाएं अलग तरह से उपस्थित होता है। यूलेथ्रिक्स यूलेथ्रिक्स की संरचना इस तरह से ये उपस्थित होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत अधिक तंतुवत होती हैं
जो कि पैरेन्काइमेटस संरचनाओं के समान दिखाई देती हैं। और किसी एक होल फॉर्स से जुड़े हुए दिखाई दे। तो इस तरह की संरचनाएं शैवालों में पाया जाता है, कुछ जिसमें सिंगल या एक कोशिकीय संरचना के रूप में एक ही कोशिका के रूप में रहते हैं, और इनका संरचना क्लोरोप्लास्ट में भिन्नता देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम क्लोरोप्लास्ट के एक क्लोरोफाइटा के अंतर्गत जो सवाल देखते हैं उनकी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्लोरोफाइटा के अंतर्गत जो विभिन्न संरचनाएं उनकी कोशिकाओं में, जो कोशिकाओं की संख्या स्पाइरोगायरा में, सॉरी यहाँ पर 1 से 14 तक की कोशिकाएं हो सकती हैं, और ये तंतुवत रूप में उपस्थित होते हैं। कुछ इसी तरह यूरेथ्रिक्स में भी इनकी कोशिकाएं जो क्लोरोप्लास्ट है ये भिन्न होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि जो थैलस संरचनाओं में दिखाई देते हैं। थैलस संरचना इस तरह से थैलस संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। तो ये क्लोरोफाइटा की कुछ सवाल हैं जिनमें कोशिकाओं में उनकी संरचनाओं में भिन्नता होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इस तरह से हम अब इनके प्रजनन के बारे में देखते हैं। प्रजनन की विधियां प्रजनन की विधि प्रजनन विधि में सबसे पहले वर्धी प्रजनन होता है, जो विखंडन के द्वारा पहला है वर्धी प्रजनन। इसमें शैवालों का विखंडन होता है, ये शैवाल विखंडित होकर ये नए शैवालों का निर्माण करते हैं। विभिन्न माध्यमों से जल में जब एक अधिक बहाव के कारण कोई शाखाएं मुख्य भाग से अलग हो जाता है तो ये फिर से नया शैवाल का निर्माण करता है। इसी तरह इसमें वर्धी प्रजनन के बाद है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में जो पादपों के जो स्पोर्स बनते हैं एक्नेट के माध्यम से बनता है, एक्नेट के द्वारा ये विभिन्न परिस्थितियों में ये वातावरण में ऐसी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जो पुनः जब अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है तो ये फिर से अंकुरित होकर नए शैवाल का निर्माण करते हैं। इसी तरह तीसरी विधि है जो लैंगिक प्रजनन, लैंगिक विधि के माध्यम से लैंगिक प्रजनन की क्रियाएं, जिसमें विभिन्न विधियों के द्वारा आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस और एप्लेनोगेमस की विधियों के द्वारा इनमें नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत है पहले आइसोगेमस, जिसके अंतर्गत दो युग्मक जिनकी आकृति समान होती है, उनकी संरचनाएं समान होती हैं और ये आपस में संयुक्त होकर नए जायगोट बनाते हैं। नए जायगोट से फिर अंकुरित होने के बाद ये जायगोट विभाजित होकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉयड संरचना बना लेता है और ये कोशिकाएं
विकसित होकर नए शैवाल का निर्माण करते हैं। दूसरा इसमें है एनाइसोगेमस, जिसमें दो अलग अलग युग्मक, एक मेल युग्मक चल फ्लैजुला युक्त होता है और छोटा होता है, और दूसरा युग्मक मादा युग्मक जो कि अचल होता है और बड़ा होता है। इसमें दो युग्मक मेल और फीमेल युग्मक दोनों भिन्न होते हैं। ये दोनों संयोजित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं, और जायगोट बनने के बाद इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फिर से नए स्पोर्स का निर्माण होता है और नए सवाल बनते हैं। तीसरा इसमें उगेमस, उगेमस प्रकार के, जिसमें दोनों युग्मक पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं और ये आपस में संयोजित होकर जायगोट बनाएंगे। जायगोट से फिर नए विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये विभाजित होकर स्पोर्स का निर्माण करते हैं और नए शैवाल उत्पन्न होते हैं। इसी तरह इनमें एप्लेनोगेमी, जिसमें दो अयुग्मक तीसरी, इसके बाद है इसमें एप्लेनो गैमी। प्लेनो गैमी के अंतर्गत दो अचल गैमेट आपस में संयोजित होकर नए जायगोट बनाते हैं। जायगोट विभाजित होकर फिर से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नए युग्मक हैप्लॉइड संरचना वाली कोशिकाएं बनाती हैं। ये नई कोशिका शैवाल का निर्माण करते हैं। तीसरा से वृद्धि प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन तीनों विधियों के द्वारा क्लोरोफाइटा के शैवाल में प्रजनन की विधियां पाई जाती हैं। इस तरह से हम ये क्लोरोफाइटा के अंतर्गत एक जो पादप है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्पायरोगायरा एक प्लांट जो कि क्लोरोफाइटा का सदस्य है। ये इसका वर्गीकरण जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले इसका वर्गीकरण जगत पादप जगत के अंतर्गत आएगा। उपजगत थैलोफाइटा, जगत के पादप जगत, उपजगत में थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद हम देखते हैं इसका समूह, समूह है शैवाल के अंतर्गत, और समूह के बाद हम देखते हैं इसके प्रभाग क्लोरोफाइटा, प्रभाग के बाद इनको वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, वर्ग से फिर ऑर्डर्स में। वर्ग है क्लोरोफाइसी, वर्ग के बाद आता है गण, इसके अंतर्गत है जिग्मटेशी। गण के बाद
आता है कुल जिगमेट, जिगमेट ऑर्डर है जिगमेटेल्स। कुल है जिगमेटेश, और जिग्मेटेशी के बाद वंश है स्पाइरोगायरा। तो इस तरह से ये स्पाइरोगायरा के एक वर्गीकरण, जिनके पादप जगत के अंतर्गत आने वाली शैवाल समूहों के स्पीसीज है स्पाइरोगायरा। पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है स्पाइरोगायरा को। उपजगत इसका थैलोफाइटा है। इनकी जो संरचना है जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, इसलिए थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखते हैं। समूह इसमें शैवाल समूह है। पूरी तरह से ये जली स्थानों पर पाए जाते हैं, स्वतंत्र जल पर होते हैं। क्लोरोफाइटा इसमें क्लोरोफिल ए सी, ये क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण ये क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखे गए। ऑर्डर जिग्मेटेसी और जिग्मेटेल्स। कुल है जिग्मेटेशी और वंश है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा की संरचना, जिसके ये स्वतंत्र रूप से सभी स्थानों पर सामान्य जलों पर पाए जाते हैं, ये रेशे के समान दिखाई देते हैं। इसमें स्पाइरोगायरा की संरचना जो कि तीन स्तरों से बनी, सबसे बाहर स्तर पैक्टिन पदार्थों से बनी होती हैं, जो जल के संपर्क में होने के कारण घुल जाती हैं। कि जो क्लोरोप्लास्ट है फीते के आकृति का होता है और ये सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म। ये तंतुवत कई कोशिकाओं से, लगभग 1 से 14 कोशिकाओं तक की बनी फीते नुमा संरचनाएं इसमें। इसकी जो क्लोरोप्लास्ट है 1 से 16 कुंडलित क्लोरोप्लास्ट की संरचनाएं होती हैं। क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है 1 से 16 तक की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। कोशिका द्रव स्टैंड के रूप में केंद्रक के मध्य से ये सदा रहता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है ये मुख्य रूप से वर्धि प्रजनन के द्वारा, और जो कि कायिक विधि के माध्यम से विखंडन के द्वारा ये विखंडित होकर नई कोशिका का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो तंतुवत रचनाएं हैं, लंबी रचनाएं हैं, ये विखंडित होकर अलग होकर एक कोशिका जब अलग हो जाता है तो फिर से नए स्पाइरोगायरा की संरचनाएं बना लेती हैं। ये आपस में बहुत अधिक जुड़े होने के कारण एक कई तंतुओं का समूह एक साथ उपस्थित होता है। इसमें जो प्रजनन विधियाँ हैं, वर्धि प्रजनन के रूप में विखंडन के द्वारा, और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। वर्धि प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में ये आपस की जो कोशिकाएं हैं ये आपस में पास पास आकर एक दूसरे कोशिकाओं के कोशिका द्रव स्थानांतरित होते हैं
और वहाँ स्थानांतरित होकर कोशिकाएं संयोजित होते हैं जिससे नया जायगोट बनता है। ये जायगोट विभाजित होकर स्पोर्स का निर्माण करते हैं। चार जो जो स्पोर्स बनते हैं इनमें से तीन नष्ट हो जाते हैं और एक के द्वारा नया स्पाइरोगायरा बनता है। इसमें जो प्रजनन विधि लैंगिक प्रजनन विधि है, जब दो कोशिकाएं पास पास आती हैं तो वो सीढ़ी नुमा कॉन्जुगेशन कहलाता है। दो अलग अलग पार्श्व की कोशिकाएं एक दूसरे के समीप आने लगती हैं। कोशिका द्रव जब संकुचित होने लगते हैं सही कोशिका द्रव एक साथ संकुचित होकर पास की कोशिकाओं में प्रवेश होने के लिए पहुंचते हैं। इनके दो कोशिकाओं के बीच कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। आपस में ये जुड़कर एक कंजुगेशन नलिका का निर्माण करते हैं जिससे नई कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। पास के दूसरे स्टेन की कोशिकाएं आपस में जब एक दूसरी कोशिका से जुड़ती हैं तो यहाँ उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये संकुचित होकर एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं की ओर जाने लगती हैं। यहाँ पर बना हुआ कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है जिससे कोशिका द्रव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हस्तांतरित होते हैं। कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। इस कंजुगेशन ट्यूब से कोशिका द्रव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ जाते हैं और जुड़कर नए जायगोट बन जाती है। इस कोशिका का स्थानांतरण इस कोशिका के कोशिका का कोशिका द्रव में उपस्थित सभी कोशिका द्रव में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सहित ये कोशिका का केंद्र दूसरी कोशिका में चले जाते हैं। इस कोशिका में पहुंचने के बाद ये आपस में संयोजित होकर जायगोट बना लेती हैं और यही जायगोट अंकुरित होकर
ये जागोट अर्धसूत्र विभाजन द्वारा विभाजित होकर चार कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। चार कोशिकाओं में से तीन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन है ये कहलाता है शीर्ष कॉन्जुगेशन, जिसमें इसके अंदर जो कोशिका द्रव है ये कोशिका द्रव इसमें से एक स्पोर्स अंकुरित होकर नए स्पाइरोगायरा का निर्माण करता है। पार्श्व के कोशिकाओं के साथ संयोजित होने के कारण ये कहलाता है सीढ़ीनुमा कॉन्जुगेशन। और इसी तरह अपने ही कोशिका के अपनी कोशिका के निचले कोशिकाओं से कोशिका द्रव का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जाता है तो ये कहलाता है पार्श्व कॉन्जुगेशन। कंजुगेशन दो अलग अलग श्रेणी में है तो ये सीढ़ीनुमा कंजुगेशन कहलाएगा। अब जब पार्श्व की कोशिकाएं एक कोशिका द्रव पार्श्व की कोशिका के साथ स्थानांतरित होता है तो वो कहलाता है पार्श्व कंजुगेशन। पार्श्व कंजुगेशन में हम देखते हैं जिसमें स्पाइरोगायरा की जो विभिन्न तंतु हैं एक ही कोशिका के स्टैंड में उपस्थित तंतु पार्श्व की कोशिकाओं के साथ पार्श्व की कोशिकाओं में ये स्थानांतरित होने लगते हैं। इसमें कोशिका भित्ति के बीच कंजुगेशन ट्यूब बनने लगता है और ये कॉन्जुगेशन टिप की जो कोशिका द्रव हैं दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित होने लगती है। और यहाँ की सभी कोशिकाएं केंद्र की जो पदार्थ है ये सुकुड़ कर दूसरी कोशिकाओं की ओर जाने लगती है। पास के समीप की कोशिकाओं के साथ मिलकर ये नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जिसके अंदर ये चार कोशिकाएं बनेगा और ये चारों कोशिका में से केवल एक जायगोट कोशिका से ये नया स्पाइरोगायरा का निर्माण होता है। तीन स्पोर्स नष्ट हो जाते हैं और केवल एक कोशिका से ही नया स्पाइरोगायरा बनता है। इस प्रकार के जो कॉन्जुगेशन की क्रिया है ये पास की कोशिका से के लगे हुए अपने कोशिका के अंतर क्लोरोप्लास्ट के साथ जाकर संयोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कॉन्जुगेशन कहलाता है पार्श्व कॉन्जुगेशन या पार्श्व संयोजन। तो लैंगिक प्रजनन दो तरह से होता है सीढ़ीनुमा संयोजन और दूसरा है पार्श्व
संयोजन। तो इस तरह से स्पायरोगायरा में ये कोशिका द्रव का मिलना एक नए जायगोट बनते हैं। नए जायगोट से फिर विभाजन के द्वारा नए स्पायरोगायरा का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम स्पायरोगायरा की लाइफ साइकिल और उनकी संरचना के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।